Juanito, 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 Juanito. पंचकूला के सेक्टर 5 धरना स्थल में लगातार 29 नवंबर से ज्वाइनिंग की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगे जस की तस पड़ी हुई हैं। वहीं सरकार के विरोध में आज हरियाणा पुलिस के 6600 सिपाही पद के अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ मुख्यमंत्री हरियाणा के निवास स्थान का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर स्थित हाउसिंग बोर्ड चौक पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया गया। बता दें कि इस मामले में साल 2019 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद के लिए 6600 सिपाही जिनमें 5500 पुरुष और 1100 महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की थी, लेकिन ज्वाइनिंग के समय कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कोर्ट में चल रही मामले पर सरकार अपना मजबूती से पक्ष रखे और जल्द से जल्द मामले में सुनवाई की जाए। आज का प्रोटेस्ट है सर हमारा, ये हमारे धरना स्थल सेक्टर 5 में, वहाँ से हम सीएम हाउस जा रहे हैं सीएम साहब से बात करने। तो अभी हमें ये पंचकूला चंडीगढ़ की बॉर्डर पे रोका गया है, यहाँ से 5 बच्चों को आगे मिलवाने के लिए लेके जाएंगे। क्या मांग है सर आपकी यहाँ पे? सर हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती है, 2019 की भर्ती है, उसका 2021 में पेपर हुआ था और अभी 2022 में, अभी जो 15 दिसंबर 2022 को लड़कियों का रिजल्ट आया, कोई एक साल हो गया, एक साल होने के बावजूद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ना हमारी मेल फीमेल दोनों की। आज इसी के लिए हम सीएम साहब से मन की बात करें जी, क्या सर क्या हमें आश्वासन देते हैं, क्या नहीं, क्या चल रहा है हमारी भर्ती पे, क्यों नहीं एक्शन ले रहे। वहीं बैरिकेडिंग कर जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के बाद प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। वहीं ओएसडी भूपेश दयाल से उनकी मुलाकात करवाई गई, जहां उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनके मामले में सुनवाई करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो सीएम साहब कह रहे हैं दिल्ली गए हैं, ओएसडी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि सोमवार को आपके अर्ली हियरिंग की फाइल लगाएंगे हम और जल्दी आपका काम करेंगे, और अब हम एजी साहब से मिलने के लिए भेजे जा रहे हैं कि एजी साहब से आप बात कर लो, जो आपको डाउट क्लियर करनी है। क्या प्रमुख मांगे थी आपकी जो आपने उनको मेमोरेंडम दिया है मांग पर? हमारी मांग ये है मैम, हमारी भर्ती चल रही है 2019 से और उस अब कोर्ट में इसको 2.5 महीने की तारीख मिली हुई है 6 फरवरी की, तो हमारी डिमांड ये है कि इसको अर्ली हियरिंग लगवा के और जल्दी से जल्दी उस केस को सॉल्व करवाया जाए। उस केस पे फाइनल आर्ग्यूमेंट भी हो चुकी है, हमने ये बात कही है कि हमारी भूख हड़ताल आपके कहने से हम आपके आश्वासन से हम खत्म कर रहे हैं, जितने दिन आपने आश्वासन दिया है, लेकिन धरना हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। गौर हो कि इस मामले में ओएसडी से आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे बातचीत के बाद संतुष्ट हैं और वे अपना हाउसिंग बोर्ड पर लगाया गया जाम खत्म करते हुए वापस धरना स्थल पर जा रही हैं, लेकिन जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका धरना प्रदर्शन पंचकूला के सेक्टर 5 स्थल पर जारी रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर के साथ चंडीगढ़ से देवेंद्र रोहल की रिपोर्ट।